इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सारंगवाड़ी, जो कि बुल्ढाना जिले से है। सारंगवाड़ी के प्रकल्प पीड़ित किसानों ने किया है अधूरे पड़े प्रकल्प योजना में धरना आंदोलन। महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले के तहत निर्माधीन सारंगवाड़ी प्रकल्प योजना में पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े हुए कामों में किया है वहाँ के लोगों ने धरना आंदोलन। प्रकल्प के काम को जल्द करने के लिए तत्काल उनकी जमीन का मुआवजा देने की मांग को लेकर अधूरे पड़े प्रकल्प योजना में परिवार के साथ बैठकर किसानों ने धरना आंदोलन का प्रदर्शन किया हुआ है। इसमें सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से न्याय की गुहार लगाई गई है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने बुलढाणा जिला अंतर्गत की चिखली और मेहकर तहसीलों की सीमा पर सारंगवाड़ी प्रकल्प को मंजूरी दी, जिसके लिए किसानों की करीब 160 हेक्टेयर जमीन भी अधिग्रहित की गई। प्रकल्प का काम शुरू हुआ, किंतु राजनीतिक खींचतान में पिछले 4 वर्षों से इस प्रकल्प का काम अधूरा पड़ा होने का आरोप ग्रामीणों ने किया है। इस इलाके को सुजलाम सुफलाम बनाने का जो सपना अपनी जमीनी देने वाले किसानों ने संजोया था, वह चूर चूर हो गया है। वही जिन किसानों ने इस प्रकल्प में अपनी जमीन गवाई है, उन्हें आज तक सरकार की तरफ नए कानून के मुताबिक मुआवजे की रकम नहीं मिली। जहां एक और किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, वही इस प्रकल्प के काम में भ्रष्टाचार होने की लिखित शिकायतें जिले के एक पूर्व विधायक ने सरकार से की है, जिसके चलते प्रकल्प का काम बीच में ही रोक दिया गया। यह आरोप प्रकल्पग्रस्त किसान कर रहे हैं। इस प्रकल्प का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए चिखली और मेहकर तहसीलों के लाभ क्षेत्र के गाँव के किसानों ने कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन दिया और आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अब तक शासन ने किसानों की बदहाल स्थिति पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि 20 दिन पहले इन किसानों ने बुलढाणा पहुंचकर जिलाधीश से मुलाकात कर अपना दर्द उन्हें बताया भी था। जब उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई, तो फिर ये किसान लोकतंत्र मार्ग को अपनाते हुए अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए पीड़ित किसानों ने अपने परिवार के साथ सारंगवाड़ी प्रकल्प में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और राज्य के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही इस प्रकल्प का काम यदि जल्द से शुरू नहीं किया गया तो आगामी दिनों में बेमियादी अनशन सहित आत्मदहन करने की चेतावनी भी आंदोलनकर्ता किसानों की ओर से सरकार को दी गई। मी किनेनेक्सचा सरपंच या नात्याने सर्वप्रथम तुमचे आभार मानतो आणि माझा एक सर्वात मोठा मुद्दा आणि मोठा विषय सारंगवाडी संग्रहक तलाव, या तलावाचं 2012 उद्घाटन झालेलं आहे। काही 6 महिने 12 महिने काम चाललं आहे, त्यानंतर कुठल्या तरी चुकीच्या लोकांनी कंप्लीट करून हे काम थांबवलं आणि आजपर्यंत 6 वर्ष होऊ राहिलेत, काम बंद आहे। त्याच्यापासून शासनाचंही नुकसान झालेलं आहे, शेतकऱ्याचंही 10 पटीनं नुकसान झालेलं आहे। 10 पटीनं शेतकऱ्याचं पीक नुकसान झालं, शेतकऱ्याला पैसा नाही आणि काम बंद आहे। आणि यामध्ये पाणी थांबलं असतं तो खूप काही फायदा झाला असता शेतकऱ्याचा। आता तुमची मागणी काय? आमची मागणी एकच, काम त्वरित चालू करणे आणि शेतकऱ्याचे पैसे त्वरित देणे, अन्यथा याची जबाबदारी प्रशासनाने। 2004 सालपासून या प्रकल्पाच्या पाठीमागं लागलो, कारण अशी परिस्थिती आमची साहेब की 9 9 9 किलोमीटरवरून आम्हाला गाडी बैलानं पाणी आणावं लागत जाय। दिवसातून फक्त एक टाईम ढोर पाणी पाडल्या जातात सगळे, एवढी कठीण परिस्थिती होती। पाण्याचं हे निपटारा व्हावा म्हणून या प्रकल्पाच्या पाठीमागं लागलो। या प्रकल्पाला मंजुरात मिळाली बाळापूरसाठी पूर संरक्षण म्हणून, तर हा प्रकल्प असा चालू झाला। आम्हाला एवढं चांगलं वाटलं, परंतु कशामुळे बंद पडला, काय बंद पडला, हे काय जे असेल ते सर्व हे करून शासनानं हा प्रकल्प त्वरित चालू करावा आणि पूर्ण करावा, म्हणजे आमचा सगळा पियाच्या पाण्याचा जमिनीचा सगळा प्रश्न मिटू शकते, असा आमचा उद्देश आहे। या ठिकाणी सारंगवाडी प्रकल्प, तालुका चिखली आणि मेहकर तालुका असे दोन ठिकाणी या धरणाचं दोन भागामध्ये झालेलं आहे धरण, ते हे बंद आहे। आणि शासनाने जे जमिनी भूसंपादन केलेल्या होत्या त्याचे पैसेसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळाले नाही, त्यासाठी काही लोकांनी त्याच्यात अडथळा आणलेला आहे राजकीय। किती वर्षापासून? आता जवळजवळ 3-4 वर्षापासून हे काम बंद आहे। आता तुमची काय मागणी? आमची मागणी काम लवकरात लवकर चालू झाले। खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के दर्शकों नमस्कार।